हेलो दोस्तों, रियलमी की प्रो सीरीज वाली जो है इस बार 6 प्रो हमें बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। और दोस्तों, ये रियलमी की वजह से ही बढ़ा है कंपटीशन। और मैं आपको बता दूं, रियलमी 6 प्रो जो हमें बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कब लॉन्च हो सकता है, किस प्राइस पे आ सकता है और किस स्पेक के साथ आएगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस फोन में जो हमें जो है ड्यूअल सिम का सपोर्ट देखने को मिलने वाला और डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट रहेगा, ये बहुत ही अच्छी बात है। और दोस्तों, इस फोन में जो हमें 6.3 इंच की फुल एचडी प्लस सुपर एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस बार ऐसा बताया जा रहा है कि इस फोन में जो है हमें ये सीरीज में, प्रो सीरीज में जो है सुपर एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिल सकती है, लेकिन कन्फर्म नहीं दोस्तों। लेकिन रूमर्स काफी ज्यादा बता रहे हैं कि जो है सुपर एमुलेट डिस्प्ले आ सकती है। और दोस्तों, साथ में वाटर ड्रॉप नॉच रहेगा और फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो डिस्प्ले के अंदर ही रहेगा दोस्तों। अब बात करें दोस्तों प्रोसेसर की, जिसके लिए आप काफी इंतजार कर रहे, तो मैं आपको बता दूं, इस फोन में हमें जो है स्नैपड्रैगन का 730 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 730 इस बार देखने को मिल सकता है। और दोस्तों, ये प्रोसेसर काफी जबरदस्त है दोस्तों। ये जो है 17-18 हज़ार में आता है, लेकिन इस बार हमें सस्ते में देखने को मिलेगा, क्योंकि काफी जो है थोड़ा पुराना हो गया है प्रोसेसर। और दोस्तों, कैमरे की बात करें तो इसमें हमें जो है 48 मेगापिक्सल का पेंटा रियर कैमरा देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों, मुझे ये समझ में आ रहा है, तीन चार चार कैमरा भी बस हो गया है, मतलब कैसे भी फोटो क्लिक कर सकते हैं, फिर पेंटा कैमरा लाने की जरूरत क्या है? क्या मालूम दोस्तों कुछ और एडवांस करे, जूम का भी इसमें डाल दे, क्या पता, वो तो आने के बाद ही पता चलेगा। और साथ में फ्रंट कैमरे की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा होगा, लेकिन दोस्तों उसमें सोनी का जो है हमें सेंसर देखने को मिल सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। और दोस्तों, बेस वेरिएंट की बात करें तो 6 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ देखने को मिलने वाला है। साथ में मेमोरी कार्ड का भी स्लॉट रहेगा, यानी कि डेडिकेटेड माइक्रो एसडी स्लॉट जो है 256 GB तक आप जो है इसमें डाल सकते हो। और साथ में बैटरी की बात करें दोस्तों, बैटरी जो है 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है, जो कि दोस्तों फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी और बहुत ही जबरदस्त होगी दोस्तों। बैटरी 5000 mAh, मुझे तो लगता है दोस्तों अब 2020 में ज़्यादातर फोन जो है 5000 mAh बैटरी के साथ ही आने चाहिए, क्योंकि दोस्तों 4000 आज के ज़माने में काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ गई है, आजकल ऐप भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो रहे हैं, साथ में बैटरी भी कंज्यूम कर रहे हैं। और दोस्तों, एंड्रॉइड 9 आउट ऑफ द बॉक्स इसमें हमें पाई जो देखने को मिल जाएगा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, एंड्रॉइड 10 क्यों नहीं देते, अब वो तो आने के बाद ही पता चलेगा दोस्तों। और साथ में रियलमी UI इसमें हमें देखने को मिलने वाली है। अब बात करें दोस्तों प्राइस की, तो ये जो है प्रो सीरीज जो है 15000 के नीचे आती है, ये भी 15000 के नीचे ही हमें देखने को मिलने वाला है इंडिया में भी। और दोस्तों, बात करें इसमें लॉन्च डेट की, तो मैं आपको बता दूं, ये फोन जो है हमें 21 फरवरी से जो है एक मार्च के बीच में देखने को मिल सकता है, काफी ज्यादा चांस है दोस्तों। आपकी क्या राय है, ऐसा बताया जा रहा है कि एंडिंग फरवरी एंडिंग को आने के काफी ज्यादा चांस है इस फोन के। और दोस्तों, इसके काफी ज्यादा जो है गिग बेंच पे और बहुत जगहों पर जो इसके स्कोर निकल के आ रहे हैं, वो पता नहीं फेक है या सही है, वो तो आने के बाद ही पता चलेगा। और दोस्तों, ये फोन जबरदस्त रहने वाला है, तो मैं आपको पक्का कह देता हूं। दोस्तों, इस फोन को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब।